What's up guys, यार आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्नेक क्यूब से 24 सेगमेंट्स वाला स्नेक क्यूब, चाहे छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का, उससे हम एक रूबिक्स क्यूब स्टैंड कैसे बना सकते हैं। इस पे आप लोग बड़े से बड़ा पजल लाइक 7x7 या फिर बड़े से बड़ा 3x3, यार ये तो नजर भी नहीं आ रहा ना ठीक से, सामने का शॉट ऐड कर दूंगा, या फिर एक नॉर्मल साइज 3x3 एक कोने पे टेबल के पड़ा हो, इतना एस्थेटिक लगेगा जिसकी कोई हद नहीं। खैर इसको बनाना कैसे है सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर तो तुम लोगों को काउंटिंग आती है यार, इसको बनाने के लिए तुम लोगों को कसम से काउंटिंग आनी पड़ेगी, मतलब 1 2 3 4। अगर तो तुम लोगों को भाई 1 2 3 4 आता है तो दोबारा तुम लोग ये बना लोगे। अच्छा इसको स्टार्ट करना है तुम लोगों ने इस तरह, लाइक ऐसे नहीं स्टार्ट करना, ये चीज ऐसे सीधी आनी चाहिए। और काउंटिंग में सबसे पहले आता है 1, तो फर्स्ट पीस को हम 2 दफा घुमा देंगे, याद हो गया। 1 के बाद आता है 2, तो 1 2, ये सेकेंड जो पीस है इसको हमने अपने से, ये सेकेंड पीस रेड वाला, इसको दूर कर दिया। 1 2 3, अब तीसरे की बारी है, तो तीसरा पीस ये है 1 2 3, तो थर्ड वाले पीस को पकड़ के हमने दोबारा अपने से दूर कर दिया, दैट्स इट। अगर इतना आ गया है तो तुम लोगों को पूरा रूबिक्स क्यूब स्टैंड बनाना आ गया है, क्योंकि अब हमने टांग बनानी है इसकी। बेसिकली टांग कैसे बनाएंगे, पीछे हमने जो किया उसको भूल जाओ, 1 2 3 3 तक किया याद रखना, 3 के आगे अभी तक हम नहीं गए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पीस यहां से, जो तीसरा ये पीस है, क्योंकि ये यहां तक बन गया हुआ है, तो यहां से अब गिनना शुरू करेंगे 1 2 3, तो ये तीसरे पीस को हम 2 दफा घुमा देंगे। अब हमने इन दोनों को आपस में अटैच करना है, तो अटैच कैसे करेंगे, ये बिल्कुल 7 वाला जो पीस है इसके 7 वाला, उसको भी जब 2 दफा घुमाएंगे तो वो अटैच होकर टांग बन गई हमारी। अब देखो एक पार्ट हमारा बन चुका है और ये उसकी टांग है, तो क्योंकि हमें हमारा ये एक पार्ट बन गया, तो अब हमें यहां भी ऐसा चाहिए, हमने एक वी बनाना है बेसिकली। अभी वी नहीं है, अभी पता नहीं क्या है, तो वी बनाने के लिए सिंपली हम इसके 7 वाले पीस को, यहां से 7 वाले पीस को ऐसे करेंगे तो हमारा ये एक वी बन गया, दैट्स इट। अब आगे भी सेम स्टेप्स है, हमने यहां पे याद है हमने तीसरे तक 1 2 3 तक गए थे, अब हमने फोर्थ पीस ढूंढना है कैसे, देखो 1 2 3 4, दोबारा 1 2 3 4, और जो चौथा पीस है, अब देख के कोई भी बता सकता है कि हमने चौथे पीस को, ये यार ये मैं थोड़ा आसानी के लिए यहां से पकड़ूं, चौथा पीस इसको इस तरह घुमाना है कि ये बिल्कुल इसके लेवल पर आ जाए, ये वी भी बना रहे, क्योंकि दूसरी तरफ घुमाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं इंट्यूटिवली सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और अब सेम स्ट्रेटेजी, 2 पीसेस छोड़ के तीसरे पीस को यहां तक हमारा बना हुआ, ये याद रखना, तीसरे पीस को 2 दफा घुमाएंगे और दोबारा इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो अटैच किस तरह करना है, 7 वाले पीस को, और अब यहां से देख के ही पता लग रहा है, जैसे ये हमारी लाइंस है वैसे ही इसको भी इधर लेकर आना है, तो उसके बिल्कुल 7 वाले पीस को हम एक दफा ऐसे दूर कर देंगे तो हमारा ये हो गया। और लास्ट तो देख के पता लग रहा है ना कि ये जो सेकंड लास्ट पीस है, इसको एक दफा इस तरह घुमाएंगे तो आपस में अटैच हो सकते हैं और हमारा रूबिक्स क्यूब का स्टैंड बन के तैयार। बट वीडियो यहां पे खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा चैलेंज करेंगे कि मैं इसको कितनी देर में टाइम सॉल्व कर सकता हूं। हमारा टाइमर आ चुका है जो कि स्पीड क्यूब शॉप की तरफ से है। अगर तुम लोगों ने ये वाला पजल खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके खरीदो। और कैमरा क्यों टेढ़ा हो रहा है यार, कैमरा तो सीधा रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब हमें ज़रूरत है, हमने पूरा एक टाइम सॉल्व करना है। अच्छा मैं कह रहा था, अगर तुम लोगों ने ये मैजिकल स्नेक रूलर या स्नेक क्यूब जो भी इसको बोलते हो खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके खरीद लेना, और मेरा कोड हसनैन यूज़ करना यार 5% डिस्काउंट के लिए। तो रेडी हो यार, आई थिंक हमें अपना टाइम सॉल्व स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ मैं खुद भी, बस मुझे ये बनाना आता है, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की इस पे इतनी, तो थोड़ा बुरा ही जाएगा यार। अच्छा जी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या था, हाँ यार मैं असल में कंफ्यूज हो रहा हूँ, और बात नहीं है कोई, तुम लोग कहो बाद में कि यार इसको तो खुद नहीं था आता, तो बात ये है कि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। 16, नॉट बैड, सब 10 करना पॉसिबल है आई थिंक, अगर करना शुरू करें, बट इस पर कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा सेटिस्फाइंग से, तुम लोगों को मज़ा आएगा। और आज की वीडियो में इतना ही यार, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो कहीं ना कहीं से तो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार इसको
लाइक करो ना, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या क्या होता है, एक चीज़ और होती है ना शेयर करके, तो वो वीडियो को शेयर भी करना होता है, बना के हम अपलोड कर देते हैं, शेयर कोई नहीं करता, फजूल में ही 3-4 लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको नफरत है ना क्यूबिंग की फील्ड से। हालांकि ये क्यूबिंग में पूरी तरह नहीं आता, बट जो बंदा रूबिक्स क्यूब को जानता है वो स्नेक क्यूब को जानता है, तो जिस बंदे को नफरत है क्यूबिंग, जो गालियां देता है क्यूबिंग को, उसको शेयर कर दो। और हाँ यार, बस इतना ही, सब्सक्राइब।